नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये प्योर सोनाली चिक्स है। अगर डे की बात करी जाए तो आज इसको सातवां दिन है, आज इसका वैक्सीनेशन का डे है। हम इसको सातवें दिन एफ स्टेन यानी कि जो रानी खेत के लिए दी जाती है एफ स्टेन B1 वैक्सीन करने जा रहे हैं। हम वैक्सीन किस प्रकार से करेंगे आज ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला हूँ। वैक्सीन करने पहले से पहले इस बात का ध्यान रखें कि देखिए पानी के दो ड्रिंकर रखे हुए थे, एक दो, तो पानी के दोनों ड्रिंकर मैंने हटा दिए हैं। कम से कम 4 घंटे पहले पानी के ड्रिंकर हटा दें ताकि जब बच्चा प्यासा हो जाए और जैसे ही अपन वैक्सीनेटेड पानी रखें तो बच्चा तेज़ी से पानी पिए और सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाए। तो इस प्रकार से ड्रिंकर के बर्तन पहले से हटा दें। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन हमेशा थर्मस में लेके आएँ, क्योंकि यदि नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा तो वैक्सीन हमेशा ख़राब हो जाती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, वैक्सीन हमेशा थर्मस में लेके आएँ। अब मैं आपको स्क्रीन पर लाइव दिखाता हूँ वैक्सीन। ये देखिए, इस वैक्सीन का नाम है B1। ये वैक्सीन 500 बच्चों की है, क्योंकि 200 बच्चे की वैक्सीन नहीं मिली थी, तो 500 बच्चे की वैक्सीन भी 100 बच्चों में कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वैक्सीन के ऊपर एक ये रैपर चढ़ा रहता है, इसको तो पेचकस की सहायता से पहले रैपर उतार लें और वैक्सीन को हमेशा ही पानी या बर्फ़ के संपर्क में रखें, ठंडा पानी या बर्फ़ के संपर्क में रखें। अब हम देखते हैं कि वैक्सीन जो रहती है, यह स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं, यह पाउडर फॉर्म में है। इसके साथ एक लिक्विड वाटर मिलता है, उसको मिला के हम वैक्सीन इसमें करेंगे। वैक्सीन जो वाटर पाउडर फॉर्म में रहती है, यह लाइव वायरस रहता है। इसके अंदर आप लाइव देख सकते हैं कि इसमें लाइव वायरस रहता है। इसके साथ क्या रहता है, एक वाटर मैनन मिलता है। वाटर जो रहता है, ये लिक्विड वाटर रहता है, इसको वो वैक्सीन के अंदर हम धीरे से डाल लेते हैं। ये वैक्सीन जो पाउडर फॉर्म में रहती है, पाउडर फॉर्म में डालने के बाद इसको हल्के हाथ से हिला लेते हैं, देखिए, जिससे कि वैक्सीन आप देख सकते हैं कि इस वाटर में आ गया है। ये एक सादा पानी रहता है जो वहाँ से वेटनरी की दुकान से हमको मिल जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये पानी लिया हुआ है, इसमें वैक्सीन मैंने मिला दी। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, वैक्सीन हमेशा हल्के हाथ से मिलाएं, क्योंकि इसके अंदर लाइव वायरस रहता है। यदि अपन तेज़ी से करेंगे तो वैक्सीन को जो लाइव वायरस रहेगा उसको क्षति पहुंच सकती है, इसीलिए इसको हल्के हाथ से हिलाएं। वैक्सीन में हमने जो लिक्विड वाटर था और जो लाइव वायरस था उसको मिलाने के बाद हमने दो ड्रिंकर में देख सकते हैं कि हमने लगा दिए। बच्चे आप देख सकते हैं, हमने 4 घंटे पहले ड्रिंकर के बर्तन हिलाए थे, इसीलिए बच्चे काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छे से वैक्सीनेटेड पानी पी रहे हैं। इससे क्या रहता है, ड्रिंकर के बर्तन पहले से हटाने में 4 घंटे पहले से हटाने के कारण बच्चे जो रहते हैं वो प्यासे हो जाते हैं। प्यासे बच्चे जब हो जाते हैं, जैसे ही हम अपना वैक्सीनेटेड पानी रखते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ी से जो वैक्सीनेटेड पानी है वो पी लेते हैं और सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। और इस बात का और ध्यान रखें, हम उनको जैसे ही वैक्सीनेटेड पानी रखें तो उनको यहाँ से वहाँ कर दें, जिससे कि बच्चे जो आगे हैं वो पीछे हो जाए और जो पीछे वो आगे हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी बच्चे जो वैक्सीनेटेड हैं पानी पी लें, न तो पता चला पीछे के बच्चे पानी पी लें और आगे के बच्चे पानी पी लें और पीछे के बच्चे पानी नहीं पिए। इस प्रकार हम FSTN B1 वैक्सीन करते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आर के वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।